हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सागरिका। गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 6 और ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। तो इस टाइम हम लोग कटरा से पहलगाम के लिए निकल रहे हैं। कटरा से पहलगाम 8 घंटे का रास्ता है। तो चलिए फिर जर्नी शुरू करते हैं। यहाँ से पहलगाम के लिए कितना टाइम लगेगा अभी भैया? बहुत प्यार करते हैं। स्नोफॉल वो वहाँ पे एकदम टॉप पे हो रहा है। हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। इतनी ठंडी हवा चल रही है। पत्नी टॉप यहाँ पे हम लोग ब्रेक लेने के लिए रुके हैं पत्नी टॉप पर। अभी पहलगाम बहुत दूर है। ये लाइट यहाँ पे इश्यू नहीं होती थी दिल्ली में, यहाँ से बाहर दी जाती है। यहाँ पे इतना ये पानी में हम कम से कम ना ये अगर छोड़ दे ना पानी, ये पूरा एरिया डूब जाता है। पूरे 7 घंटे बाद हम लोग कश्मीर आ गए। रास्ते ही वैसे ना, करना क्या है। रास्ते भी तो सुंदर है। कश्मीर हम लोग पूरे 7 घंटे बाद पहुंच गए हैं और यहाँ पे बहुत तेज ठंडी है। और जहाँ हम लोग जाने वाले हैं पहलगाम में, वहाँ पे कल स्नो हुआ था जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया था कल, और आज का पता नहीं खुल गया होगा। पर कश्मीर में एक चीज़ बहुत यूनिक मैंने ध्यान दी, मतलब यहाँ पे ना जितने भी पोस्टर्स हैं, जितने भी पोस्टर्स वो सलमान सर के ही हैं या फिर नॉर्मल मॉडल्स के, और किसी हीरो हीरोइन के नहीं हैं। ये चीज़ यूनिक मैंने ध्यान दी। और एक भी मंदिर नहीं, मंदिर तो एक भी नहीं है, पर सुंदर जगह है। फाइनली हम लोग यहाँ 10 घंटे बाद पहुँच गए। बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का। और यहाँ का जो हट है अभी जिस पे है वो पूरा स्नो से कवर हो गया है। और सुबह मैं आपको रूम दिखाऊंगी और रूम के बाहर का व्यू दिखाऊंगी। बहुत प्यारा है। जा रहे हैं बाहर डिनर करने क्योंकि रात के टाइम हर्ट वर्ट पे डिनर नहीं मिलता है इसीलिए, और थोड़ी शॉपिंग करने। हट में लाइट का मतलब साबी रहती है नहीं, ये जनरेटर जनरेटर का नहीं रखते।
यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी है, जितना सोच रही थी उससे ज्यादा ठंडी यहाँ पे, मतलब बहुत 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 ज्यादा। यहाँ का टेम्परेचर शायद 4 या 5 है। और हमने डिनर कर लिया है, अब थोड़ी सी शॉपिंग करने आए हैं। आइस देखो, आइस मोटू, हेलो, हाय। नहीं आना नहीं। वापस आ गए। बाहर बहुत ठंडी है, बहुत 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 ज्यादा बहुत ठंडी है बाहर। अब कल जाएंगे हम लोग, आज तो बहुत ज्यादा थक गए हैं। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं बाहर के लिए, और अभी बज रहा है 10। अब देखते हैं कहाँ कहाँ हम लोग घूमते हैं। वैसे तो नेट पे हमने देखा है। हाँ, बंद कर रही। पैदल जाना पड़ता है। पैदल कहाँ जा पाओगे? क्यूटी 4-5 किलोमीटर पार्क में कहाँ चल पाओगे? पूरे जंगल में एट उसी को वहाँ दुकानें उकाने हैं कि नहीं? हम लोग आ गए अरू वैली, और मैं अभी आपको व्यू दिखाती हूँ। मम्मा ठंडी लग रही है बहुत ज्यादा। डैडी ठंडी लग रही है बहुत ही ज्यादा लग रही है, और बहुत ही स्वर्ग लग रहा है। सच में जन्नत लग रहा है एकदम। और एंजॉय में सही कहा था, धरती पे अगर स्वर्ग यही है कश्मीर में। अच्छा, नहीं नहीं वो बहुत ऊंचा है, बहुत ज्यादा उधर बहुत ठंडी लगेगी। हम लोग जा रहे हैं एडवेंचर करने। बहुत मजा आया यहाँ पे, बहुत ज्यादा। लेकिन अभी हम लोग मिनी स्विट्जरलैंड जाएंगे। और एक और कौन सा वैली है दीदी? बेताब वैली, जहाँ पे शूटिंग हुई है बेताब मूवी की। और बहुत कुछ है, बहुत मूवियाँ हैं यहाँ पे। ये जवानी है दीवानी, और जब तक है जान। क्या मम्मी? वो दिलीप कुमार का वही वाला घर था। अच्छा अच्छा, इस पे यहाँ पे के लिए ही। यहाँ पे चीजें बहुत अच्छी अच्छी मिल रही हैं। ये जैकेट 2-3 दिन से बर्फ पड़ा है। ये बेटा ड्राई फ्रूट से बाबू, ये कैनबेरी है, अखरोट है, बहुत टेस्टी है। चाय वहाँ मिलेगी? 69 पूरे दिन में यहाँ गाड़ियाँ ना बहुत सारी आती है, कहीं 100 गाड़ियाँ आ जाती है। अभी हम लोग बेताब वैली आ गए, और ऊपर से व्यू देखने जा रहे हैं। वाओ, यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है, वो फोटोग्राफर पोज बता रही हैं। अरे नहीं, चोट लग जाएगी। ये क्या कर रहे थे आप? ये क्या किए हैं डैडी? अच्छा, फोटो खिंचवा रहे थे। चलिए चला जाए, गिर जाएंगी।
अब हम लोग आए यहाँ पे लंच करने क्योंकि हम लोग को बहुत भूख लगी है। हम लोग सुबह से कुछ भी नहीं खाया। डैडी वाओ वाओ अरे मतलब सेम सेम है बिल्कुल, देखिए है ना वाओ 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 वाओ। हम डैडी यहाँ चाय पीने आए हैं। हम लोग अपने कॉटेज में आए थे, अब जा रहे हैं मिनी स्विट्जरलैंड जिसको कहा जाता है वहाँ पर, है ना मम्मा? मिनी स्विट्जरलैंड जा रहे हैं हम लोग। हाँ एकदम। अच्छा आप लोग भी चलिए साथ में घूमने। हाँ हम घुमा ही तो रहे हैं बस अभी हॉर्स की बात हो रही है क्योंकि मिनी स्विट्जरलैंड देखने के लिए वहाँ पे हॉर्स से जाया जाता है, तो वहाँ पे डैडी और दीदी बात कर रहे हैं। लेट्स गो। हम लोग को ले जाने के लिए हीरोज आ गए हम लोगों के। इन लोगों का क्या क्या नाम है? इनका नाम वो पीछे वाला है ना, उसको पता है। ओ क्या शी बना हो ये मुझे मकुडा बस तीन प्लेस पड़ेगा ये भी जाएगा तो इसके साथ। डैडी बेटा मेरा वाला राजा है, डैडी का बादल है। अच्छा दीदी की रानी है, आपकी बदरी है। हम लोग जा रहे हैं मिनी स्विट्जरलैंड ये सिटी मारने पे। हाँ साथ में डैडी भी हैं अपने लाडली के साथ। हाय हेलो ला 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 ला। जिसको डर मतलब नहीं पता है ना वो एक बार पहलगाम आकर मिनी स्विट्जरलैंड वो भी इन हॉर्स के साथ जरूर जाना। जिंदगी में कभी हॉर्स राइडिंग फिर नहीं करोगे तुम लोग। इतने खराब रोड पे हम लोग को चला रहे हैं, बस डर लग रहा है। जी रेडी। डैडी की हालत बिल्कुल खराब है, बहुत खराब रास्ता है। छह किलोमीटर जाना, छह किलोमीटर आना। अरे बाप, हम लोग पूरा स्नो पे चल रहे हैं। वाओ वाओ वाओ, ये मिनी स्विट्जरलैंड। स्नोफॉल की वजह से पूरा कीचड़ हो गया, रह गया। ओ बम्बी चोट लग रही है। अरे मेरा फोन लीजिए लीजिए आप। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से क्योंकि अंदर जंगल में अंधेरा होगा, सनसेट भी हो गया। कैसा लगा मम्मी? मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन डर लग रहा है जाने में वापस से ना। एकदम सनसेट हो गया। मेरे दूर दूर तक कोई नहीं है, वहाँ आगे मम्मी और यहाँ अकेले हम,
और राजा अपनी मर्जी से ले जा रहा है। वापस आ गए हम लोग, पहुंच गए, खुश दीदी, बहुत ज्यादा खुश। यहाँ पे कल रात में -2 पहुंचा था, लाइफ में पहली बार -2 में हम लोग थे। बहुत 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 ठंडी है। बंदा अच्छा जम्मू का है, जतदार जम्मू का, जिधर कृष्णा डॉग कश्मीरी कहवा है मैडम, आपके लिए लाया है, अच्छा का फेमस है, मेरे लिए लाया है जी मैडम, प्रिया तो आप टेस्ट करके तो देखिए, अच्छा जी, ओ कैसा लगा, बहुत टेस्टी है, बादाम है, केसर है, चीयर्स, थैंक यू। फाइनली हम लोग पहुंच गए। ऐसा लग रहा था कि पहुंचेंगे नहीं, बहुत 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 डरावनी राइड थी, और सच में अब हॉर्स राइडिंग करने से पहले 10 बार सोचेंगे हम तो। और वैसे पहलगाम बहुत सुंदर जगह है, अगर आप घूमने का सोच रहे हो तो आप पहलगाम ज़रूर एक बार विजिट करना, और यहाँ जगह से ज़्यादा लोग बहुत प्यारे हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कश्मीर है सेफ़ नहीं होगा, तो ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है, हर जगह फोर्सेज हैं और लोग बहुत प्यारे हैं, और मुझे तो पहलगाम बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। कल 6 बजे हम लोग को गुलमर्ग के लिए निकलना है, और फ़ोन भी मेरा नहीं चार्ज है स्नोफॉल की वजह से, यहाँ पे लाइट नहीं है, तो इसीलिए मैं व्लॉग यहीं पे ओवर कर रही हूँ। गुलमर्ग का दूसरा व्लॉग रहेगा और पहलगाम का दूसरा था। पहले मैं यहाँ से ना आपको व्यू दिखाती हूँ अपने रूम से, ये देखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, I hope you all like this video. Do like, subscribe and share. Bye bye. Take care.